हेलो दोस्तों, गेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरियस कैटेगरी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जहां पे हमने डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नाम से पता लग रहा है कि डेटा को ट्रांसफर करना है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि डेटा को ट्रांसफर कहाँ करना है या फिर कहाँ से कहाँ पे करना है, मतलब सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे पास सबसे पहले आता है मेमोरी, मतलब जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां पे हमारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को हमने स्टोर किया हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्स का सेट है। और वो रजिस्टर्स का सेट एक तो जो प्रोसेसर्स के साथ काम करता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है, एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर है, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ये डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास है जो प्रोसेसर के साथ काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट, मतलब आईओ डिवाइसेस हैं जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, लाइक इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड वगैरह, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के पास भी कुछ ना कुछ मेमोरी होती है, रजिस्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जब भी डेटा को प्रिंट करता है, तो जब डेटा का साइज बहुत ज्यादा हो, मतलब बड़े बड़े पेजेस को अगर हमने प्रिंट करना है, तो उसके पास अपनी भी एक क्या होती है, मेमोरी होती है, अपनी भी वहां पे रजिस्टर्स होते हैं जहां पे वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को रखता है। तो हमारे पास वहां पे भी रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर्स हैं जो प्रोसेसर के साथ काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास आती है मेमोरी। तो जनरली जो ट्रांसफर होता है वो डेटा का या इंस्ट्रक्शन का इन्हीं तीनों के बीच में ही होता है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारे पास आती है मूव। मूव इंस्ट्रक्शन नाम से पता लग रहा है कि डेटा को हमने मूव करना है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। अब जो भी डेटा को या वर्ड को, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं इस वर्ड को, तो वर्ड को जब भी हमने मूव करना है, मूव करने का मतलब है जनरली कॉपी करना है, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है। और वो लोकेशन कुछ भी हो सकती है, मतलब एक रजिस्टर के अंदर से दूसरे रजिस्टर में भेजना है, या फिर एक रजिस्टर से मुझे मेमोरी में भेजना है, या मेमोरी से मुझे रजिस्टर में कॉपी करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मूव। जैसे कि अगर हम बात करें मूव R1 R2, तो मतलब R2 रजिस्टर का डेटा मुझे मूव करना है कहां पे, R1 के अंदर। लेकिन ये जो कमांड्स हमने यहां पे लिखी हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं, इनके अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, मतलब इनको ऐसा नहीं कि सिर्फ मूव का मतलब सिर्फ मूव ही है, इसके अंदर आगे भी आती हैं अलग अलग वेरिएशंस, और वो वेरिएशन डिपेंड करता है एड्रेसिंग मोड के ऊपर। तो जनरली हमारे पास 7 to 8 एड्रेसिंग मोड्स हैं, तो अलग अलग एड्रेसिंग मोड में मूव को या लोड को, स्टोर को, इन सारी इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि हमने यहां पे लिखा मूव R1, मतलब एक रजिस्टर से हमने दूसरे रजिस्टर में डेटा मूव करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मूव, लेट्स से R1 500। कहने का मतलब क्या है कि हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेंड है, उस ऑपरेंड को हम मूव कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द रजिस्टर। हम ऐसे भी कर सकते हैं मूव R1 X। X का मतलब क्या है कि कोई मेमोरी लोकेशन है हमारे पास X, और उस X लोकेशन से हमने डेटा को कॉपी करना है रजिस्टर R1 में, तो उसके लिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, बेस एड्रेसिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग में इसका जो तरीका लिखने का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के ये मूव जो है अलग अलग 7-8 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें लोड, लोड कमांड जो है काफी यूज होती है, लोड कमांड हम जनरली लिखते हैं LD से, और लोड कमांड बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा को लोड करने के लिए, कहां से, मेमोरी से, मतलब हम मेमोरी से डेटा को लोड करते हैं रजिस्टर के अंदर। और जनरली ये यूज करते हैं हम एक्यूमुलेटर के लिए, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हमने डेटा को लेके आना है, कहां से, मेमोरी से। और इसके जो अपोजिट है स्टोर, स्टोर का मतलब है कि रजिस्टर से हमने डेटा को कहां पे भेजना है, मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टोर, विच इज व्हाट, STA। तो इनके अंदर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है, जैसे कि हमने मूव के अंदर डिस्कस किया। तो लोड में भी आप क्या लिख सकते हो, लोड इमीडिएट, मतलब मुझे इमीडिएटली डेटा लोड करना है 500, विच इज अ ऑपरेंड वैल्यू, और वो लोड किस में करना है, लेट्स से एक्यूमुलेटर में लोड करना, तो इमीडिएटली डेटा को हम लोड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोड
R1, R2, मतलब R2 का डेटा मुझे लोड करना है R1 में, लोड लेट्स से R1, तो इसका मतलब क्या है कि R1 का डेटा मुझे कहां पे लोड करना है, एक्युमुलेटर में या फिर R1, X, मतलब मेमोरी लोकेशन X पे जो डेटा पड़ा है उसको मुझे लोड करना है कहां पे, R1 रजिस्टर के अंदर। तो ये अलग-अलग वेरिएशंस है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एड्रेसिंग मोड के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो माइक्रो ऑपरेशंस है ये जो चेंज होते रहेंगे। तो यहां पे नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज जो इंस्ट्रक्शन है वो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे हम रियल लाइफ वर्ड में यूज करते हैं स्वैपिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर हम लिखते हैं स्वैप, मतलब अगर हम बात करें यहां पे एक्सचेंज को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से XCHG, और अगर मैं लिखता हूं लेट्स से R1, R2, तो इसका मतलब क्या है कि R1 का डेटा कॉपी करना है R2 में और R2 का डेटा कॉपी करना है R1 में, स्वैप करना। तो स्वैपिंग के लिए हम यूज करते हैं जनरली एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का। देन इनपुट, इनपुट को हम जनरली यूज करते हैं इन, तो इनपुट का मतलब क्या है कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारे पास है, इनपुट डिवाइसेस है, वहां से अगर मुझे कोई डेटा को लेके आना है मेमोरी के अंदर तो वहां पे हम यूज करते हैं इन, इनपुट कमांड का, इनपुट इंस्ट्रक्शन का। और आउटपुट जो है वो जनरली हम यूज करते हैं कि हमारे पास मेमोरी से अगर मुझे कोई आउटपुट देनी है, और आउटपुट डिवाइस मतलब हमारे पास जो पेरिफेरल डिवाइसेस है एज ए आउटपुट, तो उनको अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डेटा पहुंचाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन का। देन आती है हमारे पास पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप हम जनरली यूज करते हैं जब हम मेमोरी को एज ए स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, एरे है, हम मेमोरी को एज ए स्टैक भी यूज करते हैं। तो मेमोरी को एज ए स्टैक करने का मतलब क्या है, स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो या तो मेमोरी को हम एज ए स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं या फिर हम सेट ऑफ रजिस्टर्स को इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कि वो स्टैक की तरह काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह। तो अगर मुझे कोई भी वर्ड अगर मुझे मेमोरी के अंदर पुश करना है, मतलब मेमोरी के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुश का। और अगर मुझे कोई भी वर्ड यहां से बाहर निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पॉप का। तो ये पुश एंड पॉप जनरली हम यूज करते हैं जब मेमोरी को हम एज ए स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए हम जनरली यूज करते हैं पुश एंड पॉप। तो ये अलग अलग एड्रेसिंग जो हो सकती है, जीरो है, वन एड्रेसिंग है, टू एड्रेसिंग, थ्री एड्रेसिंग, तो डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड, और इनके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इनको किस तरीके से यहां पे लिख रहे हो। लेकिन जनरली हमारे पास जो आती है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यही है, और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज जो हमारे पास कंप्यूटर है उसके बेसिस पे हमने लिखी हुई है। इसके अलावा और हो सकती है, लेट्स से कि अगर हम सेट की बात करें, क्लियर, सेट का मतलब क्या होता है, अगर हमें वन लेके आना है रजिस्टर के अंदर, अगर मुझे वन लेके आना है तो उसके लिए हम सेट यूज करते हैं, और क्लियर का मतलब क्या है, जीरो लाने के लिए हम क्लियर, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यूज हो सकते हैं, लेकिन ये मेजरली इंस्ट्रक्शंस हैं जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन द मेमोरी एंड रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेमोरी, बिटवीन द आईओ एंड मेमोरी, आईओ एंड रजिस्टर ऑल्सो। तो ये मेरे पास लोकेशंस हैं जहां पे मुझे मेमोरी डेटा को ट्रांसफर करना है। थैंक यू।